हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना सही है या फिर गलत। पॉइंट नंबर टू, ब्रॉक क्यों हर रॉ में नजर नहीं आते, इसमें ब्रॉक की गलती है या फिर WWE की गलती है। पॉइंट नंबर थ्री, WWE ब्रॉक का परफेक्ट यूज कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रॉक क्यों देखते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? दोस्तों, आप तो एकदम सीधी बात कहोगे कि आप उस समय के टॉप सुपरस्टार के बीच में फाइट के लिए रॉ देखते हो, या फिर अपने फेवरेट या फिर टॉप सुपरस्टार के लिए उस समय का रॉ देखते हो। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस वक्त का टॉप सुपरस्टार कौन रहता है, जिसके पास चैंपियनशिप बेल्ट रहती है, क्योंकि दोस्तों WWE उसकी बुकिंग काफ़ी अच्छी करती है और उसी बुकिंग को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बनती है। दोस्तों, जिसके पास चैंपियनशिप बेल्ट रहता है उसकी बुकिंग WWE कुछ इस प्रकार से बुक करती है कि देखने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मजा आए। बट दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सुपरस्टार आपको रॉ में देखने को ही नहीं मिलेगा, केवल PPVs में देखने को मिलेगा, तो रॉ का क्या मजा हम केवल PPV ही ना देखें। दोस्तों, जैसा कि एक बात हम सभी जानते हैं, एक टाइटल एक ब्रांड की शान होती है, जैसे रॉ के लिए उसका यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि दोस्तों WWE यूनिवर्स ये देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक टाइटल एक दूसरे सुपरस्टार पे कब बदलेगा। ये देखना WWE यूनिवर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, या फिर दोस्तों WWE यूनिवर्स ये देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है कि जो टाइटल होल्डर है उसकी फ्यूट आगे हमें किसके साथ देखने को मिलेगी। बट दोस्तों, ये तो हमें कभी रॉ में देखने को ही ना मिलता है, केवल हमें PPVs में ही देखने को मिलता है। ये सब तो दूर की बात है दोस्तों, हमें टाइटल होल्डर भी लगभग सभी रॉ में देखने को नहीं मिलता है, मुश्किल से एक आध रॉ में हमें टाइटल होल्डर ही देखने को मिलता है रॉ का। तो दोस्तों, यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि अब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहे, क्योंकि दोस्तों जिस यूनिवर्सल चैंपियन के लिए हमें अच्छी अच्छी फ्लूट रॉ में ही देखने को मिल सकती थी, वो हमें केवल PPVs में ही देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, ब्रॉक लेसनर को वैसे भी किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, ब्रॉक लेसनर का मैच जिस भी सुपरस्टार के साथ फिक्स कर दिया जाए, जिस PPV में डाल दिया जाए, वो PPV अपने आप हिट हो जाता है। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर की तो इतनी फैन फॉलोइंग है कि उनको अच्छे अच्छे कंपनियां उनको बुलाती हैं और ब्रॉक सीधा कहते हैं जिस कंपनी से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं उसी कंपनी में जाऊँगा। दोस्तों, उनकी ये नीड केवल WWE ही पूरी कर पाई है, अभी UFC भी उनकी इतनी नीड पूरी नहीं कर पाई है कि ब्रॉक लेसनर UFC की तरफ रुख मोड़ लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रॉक एक पार्ट टाइम प्लेयर है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ब्रॉक लेसनर हर रॉ में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम कंपेयर करें ब्रॉक लेसनर को एक पार्ट टाइम प्लेयर से, तो एक पार्ट टाइम प्लेयर अपनी अपीयरेंस कई गुना ज़्यादा दे देता है WWE में, जहां ब्रॉक लेसनर अपनी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा कम देते हैं। इसका एग्जांपल तो हमें देने की जरूरत नहीं है, जॉन सीना एक पार्ट टाइम प्लेयर होते हुए भी लगभग हर एक रॉ में उपस्थित हो जाते हैं, और जब WWE उनकी तरफ रुख मोड़ती है तो अपने तरफ से वो उपस्थित हो जाते हैं WWE रॉ में। तो दोस्तों, बात ये उठती है कि रॉ में ना आना ब्रॉक की गलती है या फिर WWE की गलती है। दोस्तों, बहुत लोग का तो ये मानना है कि ब्रॉक लेसनर इतने ज़्यादा बिजी पर्सन है कि WWE की बुलाने पर भी वो रॉ में नहीं आते, जितना कि उन्हें पैसा पेमेंट किया गया है उससे भी कई ज़्यादा कम वो WWE रॉ में देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों, ये बात पूरी सही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, WWE रॉ में ना आना ब्रॉक की गलती नहीं है, पूरी गलती WWE की है। दोस्तों, WWE की स्टोरी लाइन की वजह से ब्रॉक लेसनर को हर रॉ में नहीं लाया जा रहा है। दोस्तों, ये स्टोरी लाइन का एक पार्ट है कि ब्रॉक लेसनर हर रॉ में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जान रहे हैं, ब्रॉक लेसनर को लेकर WWE कुछ बड़ा प्लान करना चाहती है रेसलमेनिया में, यही कारण है कि ब्रॉक लेसनर को WWE हर रॉ में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, WWE ब्रॉक का यूज कुछ ऐसे जहाँ पे करना चाह रही है जहाँ पर स्टोरी लाइन का कोई मतलब ही ना हो, यानी दोस्तों लाइव इवेंट में, क्योंकि अगर हर रॉ में ब्रॉक को लाया जाएगा तो जैसा कि WWE की स्टोरी लाइन है, ये बात उसके विरुद्ध चली जाएगी, क्योंकि WWE को अपना पैसा भी मैनेज करना है जितना वो ब्रॉक को दिए हैं। तो यही वजह है WWE ब्रॉक को लाइव इवेंट में भी लाना चालू कर दी है, जहां पर मार्च लाइव इवेंट को लेकर WWE ने ब्रॉक के चार बड़े मैचेस फिक्स कर डाले हैं। पहला मैच हमें एक चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा ब्रॉक वर्सेस केन के बीच में 3 मार्च 2018 को। अगला मैच दोस्तों हमें एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन नॉन टाइटल मैच देखने को मिलेगा ब्रॉक वर्सेस द मिज के बीच में 9 मार्च 2018 को। अगला मैच हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में एक टाइटल मैच देखने को मिलेगा। ये मैच हमें 16 मार्च 2018 को देखने को मिलेगा। इसी के जस्ट बाद दोस्तों हमें अगले लाइव इवेंट में 30 मार्च 2018 को ब्रॉक का मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस लाइव इवेंट के लिए WWE ब्रॉक को एडवर्टाइज कर रही है, बट ये बात अभी तक WWE ने क्लियर नहीं किया कि हमें ब्रॉक का अपोनेंट इस मैच में कौन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ 4 मैचेस की अपडेट भी आप तक जो कि ब्रॉक से जुड़े हैं, जो कि दोस्तों हमें आने वाले मार्च में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक महीने में हमें 4 एपिसोड रॉ का देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर 4 लाइव इवेंट में हिस्सा रह सकते हैं, क्या 4 रॉ का हिस्सा नहीं रह सकते थे? दोस्तों, WWE की स्टोरी लाइन की वजह से ब्रॉक लेसनर हमें रॉ में देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर WWE स्टोरी लाइन में कुछ परिवर्तन करती तो हमें ब्रॉक लेसनर रॉ में भी देखने को मिल सकते थे, सिवाय WWE लाइव इवेंट में। दोस्तों, लाइव इवेंट में WWE को क्या फायदा यार, क्या वहाँ की टीवी इस चीज को देख पाएगी? बट अगर ब्रॉक लेसनर को रॉ के एपिसोड में लाते हुए तो काफ़ी ज़्यादा WWE के लिए अच्छा रहता, क्योंकि ज़्यादा पीपल तक ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल जाता, वहाँ की पीपल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग ब्रॉक का मैच देख सकते थे।
तो दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियन ब्रॉक लेसनर को लेकर, जैसा WWE ब्रॉक के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा मेरा ओपिनियन है जो आपको गलत लगा, या फिर आपको कुछ और लगता है ब्रॉक को लेकर, आपकी ओपिनियन कुछ और है तो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइज़।